आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज चार्जिंग अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ। तो क्वेश्चन का मतलब है टीआरएनए में जो चार्जिंग होता है, या इसे अमाइनो एसाइलेशन भी बोलते हैं, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल का अटैचमेंट को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड। तो इन सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन मतलब जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, पहले एक एमआरएनए आता है, ये एमआरएनए है जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और इसे रिकॉग्नाइज करता है, ये एमआरएनए है, इसे रिकॉग्नाइज करता है एक टीआरएनए, और टीआरएनए में होता है एंटीकोडॉन्स। यहां पर कोडॉन्स होते हैं, कोडॉन्स मतलब तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, ठीक है, जो अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। और यहां पर एंटीकोडॉन्स है जो इन कोडॉन्स को रीड कर सकता है, ठीक है। और ये होता है राइबोसोम, एक सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम, वहां पर होता है। और जब भी टीआरएनए एमआरएनए को रीड करता है, तब यहां पर ये अमीनो एसिड को अटैच करता जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पर एयूजी कोड है, तो टीआरएनए एयूजी को रीड करेगा थ्रू एंटीकोडॉन यूएसी, और यहां पर बनेगा अमीनो एसिड मिथियोनाइन, ठीक है। तो जब ये इस कोड को रीड करता जाएगा, तब एक एक अमीनो एसिड टीआरएनए पर अटैच होता जाएगा, और इसी प्रोसेस से अमीनो एसिड की पॉलीमराइजेशन होके एक पेप्टाइड या फाइनली एक प्रोटीन बनेगा, फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है अमीनो एसिड टू आरएनए, तो इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू आरएनए। तो यहां पर बोल रहे कि अमीनो एसिड आके टीआरएनए पर अटैच हो रहा है इस चार्जिंग और अमीनो एसिलेशन प्रोसेस पे, और यही प्रोसेस है। तो जब ये अमीनो एसिड आके टीआरएनए पर अटैच होगा, इस प्रोसेस को हम चार्जिंग या अमीनो एसिलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन बी है अमीनो एसिड टू एमआरएनए। तो यहां पर बोल रहे कि अमीनो एसिड आके एमआरएनए पर अटैच होगा और इस प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं, गलत है, क्योंकि एमआरएनए नहीं टीआरएनए। और उसके बाद ऑप्शन सी है न्यूट्रल अमीनो एसिड टू टीआरएनए। तो अमीनो एसिड में डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक भी होते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं कि सिर्फ न्यूट्रल अमीनो एसिड जो टीआरएनए पर अटैच होता है, इस प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं, ये गलत है, क्योंकि कोई भी अमीनो एसिड हो, अगर न्यूट्रल भी हो सकता है, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, जो भी एसिड अमीनो एसिड आके अटैच होगा, उस प्रोसेस को हम चार्जिंग ही बोलेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। और यहां पर बोल रहे हैं कि ऑप्शन डी में एसिडिक अमीनो एसिड टू टीआरएनए, ये भी गलत है। अभी हमने बताया कि अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए हुआ हमारा राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।